प्रिय विद्यार्थियों, कल हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान में यातायात साधनों का विकास। उस पर हमने पहला व्याख्यान किया और वो व्याख्यान सड़क मार्ग पर केंद्रित था। आज इसी टॉपिक पर दूसरा व्याख्यान, लेकिन आज हम बात करेंगे रेल मार्गों की। भारत में, राजस्थान में रेल मार्ग किस प्रकार से और कब यहाँ पर स्थापित हुए। रेलों का मामला थोड़ा अलग है। राजस्थान में रेल मार्गों का निर्माण अखिल भारतीय नीति के अधीन ही डेवलप हो सकता था। यह संयोग ही है कि इस क्षेत्र में रेलों का निर्माण उस समय प्रारंभ हुआ जब भारत सरकार ने गारंटी पद्धति को छोड़कर निजी कंपनियों के योगदान को कम कर दिया, खर्च कम करने के लिए मीटर गेज की पटरियां बिछाई गई, यानी कि जो छोटी जिसको गाड़ी कहते हैं। अभी जो आप रेलगाड़ी देखते हैं, जैसे हम चूरू में हैं, तो चूरू के अंदर से जो रेलगाड़ी गुजरती है वो बड़ी पटरी है। आज से 20 साल पहले लगभग ये सब मीटर गेज थी, यानी कि छोटी पटरियाँ थी। एक उससे भी छोटी आती है जो पहाड़ी एरियाज में चलती है, नैरो गेज कहते हैं जिसको। तो मीटर गेज की पटरियाँ कम खर्चे के अंदर बिछाई गई। गारंटी पत्ती में केवल रेल पटरियों का निर्माण, गारंटी जो पत्ती थी जो पहले जिसको छोड़ा, उसमें रेल पटरियों का निर्माण अत्यधिक महंगा था और अधिक धन खर्च होता था। 1868 के लगभग एक दशक तक राज्य के नियंत्रण में रेलों का विस्तार प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात पुनः गारंटी पद्धति में कुछ फेर बदल करके निजी कंपनियों को रेल मार्गों के निर्माण की अनुमति दे दी। तो 10 साल तक ये गारंटी पद्धति को छोड़ा गया, लेकिन कुछ उसके अंदर रिफॉर्मेशंस करके, सुधार करके पुनः कंपनियों को ये कार्य सौंप दिया। 1868 के पश्चात दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग का निर्माण तय हुआ और खर्च की मात्रा कम करने के लिए इसे मीटर गेज बनाया गया। यहाँ रेल मार्ग निर्माण के समय नीमच और नसीराबाद को कम महत्व दिया गया और उसके स्थान पर अजमेर व सांभर पर अधिक ध्यान दिया गया। इससे पहले दिल्ली मुंबई मार्ग पर, दिल्ली मुंबई मार्ग जो सवाई माधोपुर और कोटा होकर जाता था, नए मार्ग में ऐसा प्रयत्न किया गया कि राजस्थान को व्यावहारिक रूप से रेल मार्ग द्वारा इस प्रकार विभाजित किया जाए कि राजस्थान के विभिन्न भागों को सरलता से इस मार्ग से जोड़ दिया जाए। राज्यों से रेल मार्ग के लिए आवश्यक भूमि, क्योंकि जब भी कोई सड़क या रेल का निर्माण होता है भूमि की आवश्यकता होती है, आवश्यक भूमि स्थायी रूप से देने के लिए कहा गया। उस भूमि पर जो भी भवन आदि होंगे सब अंग्रेजी सरकार को निःशुल्क दिए जाएंगे। रेलों पर यदि कोई अपराध उस समय राज्य के क्षेत्र में हो रहा हो तो वह भी अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में रहेगा।
और राज्य सरकारों से वो यूँ कहें कि असंबंधित रहेगा, यानी कि राज्य सरकार का कोई उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जितना भी माल रेलों द्वारा ढुलाई किया जाएगा उस पर कोई पारगमन शुल्क या सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों जो सड़क मार्ग थे वो जिन स्टेट्स के अंदर से होके जा रहे थे, रियासतों में होके जा रहे थे, किसी जागीरदार का क्षेत्र है, सामंत का, तो वो वहाँ पर जिसको हम कहें कि वो सीमा शुल्क लेते थे और उसके बदले उस एरिया में वो सुरक्षित माल जाएगा, इस बात की गारंटी होती थी। तो ये जो सीमा शुल्क है, रेल अंग्रेज़ों ने कहा कि रेल विभाग इसको नहीं देगा। यदि माल किसी राज्य में बेचने अथवा उपयोग के लिए आए तब राज्य को उस पर कर लगाने की छूट। आरंभ में 1864-65 में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर कुछ आपत्तियां की। वह भूमि और उस पर स्थित भवन के लिए मुआवजा तथा राज्य क्षेत्र में रेलों पर किए गए अपराध पर राज्य प्रशासन का अधिकार चाहते थे। दो सुधार उन्होंने प्रस्तुत किए। राम सिंह जो कि जयपुर महाराज, उन्होंने कि भूमि पर जो भवन हैं वो अब रेल ने ले ली हैं, रेल महकमे ने ले ली हैं, तो उन भवनों का मुआवजा दिया जाना चाहिए जैसे कि आज दिया जाता है। और दूसरा, जो अपराध हो रहे हैं स्टेट एरिया के अंदर, तो वो अपराध को हैंडल करने का अधिकार भी स्टेट के पास होना चाहिए। ये उन्होंने सुझाव रखे। अन्य राज्यों ने भी अंग्रेजी शर्तों पर भूमि देना स्वीकार किया। अंततः जयपुर महाराजा ने भी अपनी आपत्तियों को कुछ आश्वासन मिलने के बाद वापस ले लिया। यह आश्वासन किसी विवाद में जयपुर के पक्ष का समर्थन करने से ही संबंधित थे। संभवतः यह अलवर और उनियारा के संबंध में भी ऐसा ही प्रावधान रहा। रेलों के सर्वेक्षण और पटरी बिछाने का कार्य अंग्रेजी टोलियों द्वारा किया गया। पहले उनकी सहायता के लिए संबंधित सरकार के एक अधिकारी भी दिया जाता था, जो भी राज्य था, जिस राज्य की भूमि पर सर्वे हो रहा था तो वो राज्य की तरफ से कोई अधिकारी दिया जाता था। लेकिन बाद में यह परंपरा समाप्त हो गई, क्योंकि कई स्थानों पर दरबार के अधिकारी द्वारा शोषण की घटनाएं हुई। 1877 में दिल्ली तथा आगरे में से बांदीकुई, अजमेर, नसीराबाद तक रेल मार्ग यात्रियों के लिए खोल दिया गया और फिर प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर अधिक रेल मार्ग उपलब्ध होता गया। राजपुताना मालवा रेलवे, जिसका निर्माण भारत सरकार के नियंत्रण में हुआ था, वह योजना 1880 तक पूरी हो गई और 1885 में इस रेल लाइन के संचालन का उत्तरदायित्व 20 वर्षों के लिए BB&CIR को सौंप दिया गया। भारत सरकार के नियंत्रण में राजपुताना मालवा रेल संचालन शुद्ध जो लाभ है एक उसके अंदर वो नहीं आ रहा था। गारंटी प्रणाली में प्रदत्त ब्याज और रेल संचालन का खर्च आय से पूरा नहीं हो पाता था। निजी रेल कंपनियों की प्रबंध प्रणाली में अधिकारीगण अधिक होते थे और वे व्यय को लाभ से अधिक रखते थे।
क्योंकि भारत सरकार की गारंटी पद्धति से समझौते के अनुसार शुद्ध लाभ होने पर अतिरिक्त धन लौटाना पड़ता था। इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि निजी कंपनियों की रेल का जो प्रबंध है राज्यों के नरेशों को रेल विस्तार के प्रति आकर्षित नहीं कर सका और उन्होंने रेल निर्माण में पूंजी लगाने में रुचि नहीं ली। जैसे कि उन्होंने सड़कों में रुचि ली थी, ऐसी रुचि उन्होंने यहाँ पर नहीं ली। ये जो परिचालन था, यदि हम इसमें बात करें आंकड़ों की, तो कुल आय का 1877 में 68%, 1868 में 61.97% और 1879 में 66.7% था, जबकि आय 27 लाख से बढ़कर 35.45 लाख हो गई। 3 वर्ष बाद भी जब राजपूताना मालवा रेलवे से कुल आय 1879 की तुलना में 200% से अधिक बढ़कर 1882 में 109 लाख हो गई, तब भी व्यय का प्रतिशत 66.7 से घटकर 60.4% तक ही आ पाया। इससे यह बात भली भांति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि निजी कंपनियों का प्रबंध बहुत खर्चीला था। इससे उस विरोध की वास्तविकता समझने में सहायता मिलेगी जो कुछ भारतीय नरेशों ने अंग्रेजी नियंत्रण में रेलों के निर्माण अथवा विस्तार के प्रति कुछ जो उन्होंने किया। इस विरोध को अंग्रेजों ने बहुधा शासकों की रूढ़िवादिता करार दिया, अज्ञानता करार दिया, अप्रगतिशीलता का प्रतीक कहा, जो सर्वथा अनुचित था। रेलों का निर्माण और विस्तार कुछ ऊंचे वेतन पर अंग्रेज अधिकारियों को नौकरी दिलाने में सहायक होता था, जिनमें से अधिकांश तकनीकी अधिकारी नहीं होते थे, यानी कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं होते थे। इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को नौकरी देने से खर्च का प्रतिशत भी बढ़ता था, यह धन निष्कासन का माध्यम बन जाता था। अंग्रेजी सरकार अथवा अंग्रेजी निजी कंपनियों के प्रबंध में रेलों का विस्तार और निर्माण राजकोष में कुछ वृद्धि नहीं कर सकता था और यह राज्यों के कुछ नरेशों के विरोध के लिए उत्तरदायी था। तो ये विद्यार्थियों, रेल मार्ग जो कि अंग्रेजों के प्रयासों से शुरू हुआ राजपूताना में, और आप जानते हैं कि अंग्रेज ये रेल या सड़क किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए यहाँ पर इन्होंने लॉन्च नहीं किया था। यदि हम ऐसा समझें कि ये अंग्रेज़ों ने भारत के लिए एक अच्छा कार्य किया, राजस्थान के लिए एक अच्छा कार्य किया, यहाँ पर लोगों की सुख सुविधा के लिए, आवागमन के लिए, उनके सामान की ढिल जो ढोने के लिए यहाँ पर अंग्रेज़ों ने रेल जो है रेल मार्ग बनाए, तो ये एक गलत मूल्यांकन होगा। अंग्रेज़ लोग अपना व्यापार सुगमता से कर सकें, जो यहाँ पर व्यापारिक स्थान जहाँ से जो वस्तु उपलब्ध होती, जैसे सांभर से नमक उपलब्ध होता है, वहाँ तक उनके रेल के कोच जा सकें, लोडिंग हो सकें, अनलोडिंग हो सकें, तो उस लोडिंग अनलोडिंग के लिए अंग्रेज़ों ने भारत में और राजस्थान में रेल का संचालन प्रारंभ किया। अब अंग्रेज़ों को हर कार्य में मुनाफा चाहिए
और रेल में भी उनको मुनाफा मिल सकता था, लेकिन अब जो मैनेजमेंट है और उसके अंदर अधिकारी हैं उनके वेतन इतने अधिक हैं, वो रेल के परिचालन के जो खर्चे हैं उनको इतना अधिक दिखा रहे हैं, यानी ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों में कुछ चतुराई वहाँ पर होती है और उसके कारण व्यय जो है वो अधिक नज़र आता है और व्यय बढ़ता हुआ भी नज़र आता है। तो इस कारण से थोड़ा अब अंग्रेज़ इसको भी एक लाभ देने वाला जो है वो उपक्रम बनाना चाहते हैं। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।